दोस्तों इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत के करीब 45% इंजीनियर ग्रेजुएट के पास नौकरी पाने लायक स्किल्स नहीं है। दोस्तों भारत के लगभग 38% IIT इंजीनियर बेरोजगार हैं। दोस्तों IIT इंजीनियर JEE मेंस और JEE एडवांस जैसे टफेस्ट एग्जाम को पास करके बनते हैं। इस तरह के एग्जाम को पास करना सबके बस की बात नहीं है, फिर भी नौकरी नहीं मिलने का कारण क्या है? कोई भी अगर भारतीय इंजीनियर विदेश में जॉब करने के लिए जाते हैं जैसे कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाने पर इन लोगों को अलग से ट्रेन किया जाता है। आखिर भारत के इंजीनियरों में स्किल्स डेवलप क्यों नहीं हो पाती है? क्या इसका सबसे बड़ा कारण भारत का एजुकेशन सिस्टम है या कुछ और? तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में आखिर क्या है भारत के एजुकेशन सिस्टम की पूरी सच्चाई। वर्तमान भारत के एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए हम लोगों को भारत के अतीत के एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा। आप सभी ने तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना ही होगा। यह एक समय दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी। इस विश्वविद्यालय में दाखिला लेना बहुत ही कठिन था। दाखिला लेने के लिए 3 बार परीक्षा देना पड़ता था। सबसे पहले प्रवेश द्वार के पास गार्ड सवाल करते थे। दोस्तों जहाँ के गार्ड इतने ज्ञानी हो तो वहाँ के प्रोफेसर कितने ज्ञानी होंगे। इस विश्वविद्यालय में ज्यादा लिखने का कोई सिस्टम ही नहीं था, सभी चीजों को प्रैक्टिकली कराए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों की हुकूमत आई और वो लोग अपना एजुकेशन सिस्टम भारत पर थोपना शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे भारत के एजुकेशन सिस्टम का अंत हो गया और पूरे भारत में अंग्रेजों का एजुकेशन सिस्टम लागू हो गया। इस एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ नंबर मान्यता करती थी, जो विद्यार्थी ज्यादा नंबर लाएगा उन्हें ज्यादा बुद्धिमान माना जाएगा और उसके बाद स्टूडेंट चीज को सीखने के बजाय नंबर लाने के लिए पढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों आज भी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नंबर मान्यता नहीं करते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स का टैलेंट देखा जाता है और टैलेंट्स के बेस पर ही स्टूडेंट का कलेक्शन किया जाता है। बस इसी के कारण फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी भारत में इंजीनियरिंग ना कर जर्मनी में इंजीनियरिंग किया था। दोस्तों कितना हैरत की बात है, जिस एजुकेशन सिस्टम को भारत ने छोड़ा उसको विदेशियों ने अपना लिया। भारत के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी गड़बड़ी पैसे की कमी के कारण हो गई है। भारत सरकार स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दे पा रही है, जबकि विदेशी देशों में स्कॉलरशिप का कोई कमी ही नहीं है। ऊपर से भारत सरकार एजुकेशन पर 18% टैक्स लगा दिए हैं, जिसके कारण बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इस टैक्स की भरपाई स्टूडेंट्स से करते हैं। कई मामलों में एजुकेशन सिस्टम को बिगाड़ने में स्टूडेंट की भी भागीदारी है। भारत के लोग लगभग 3.5 घंटे से ज्यादा टेलीविजन को यूज करते हैं। वे लोग ये नहीं सोचते हैं कि अधिक परिणाम में टेलीविजन यूज करने पर उनके करियर पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों भारत के एजुकेशन में एजुकेशन तो दी जाती है, पर ये नहीं सिखाया जाता है कि सोचना कैसे है, दी गई एजुकेशन को लाइफ को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से यूज करना है। बस इस एजुकेशन सिस्टम में रेस लगाना सिखाया जाता है। यह एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट के बीच जलन पैदा करती है। हमेशा एग्जाम में फर्स्ट लाने के लिए स्टूडेंट के बीच जलन बनी रहती है। इनमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें बचपन से ऐसा ही सिखाया जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भारत के लोग एजुकेटेड होने के बावजूद भी अनएजुकेटेड कैसे हैं। तो फिर मिलते हैं इस तरह के न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।